आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाओ। यहाँ पे भी जीरो पार्किंग है और ऊपर जाना पड़ेगा। बाप रे, रूफ लाइन कितनी अच्छी है और बीच वाली स्क्रीन आती है पूरी बड़ी। बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत सुंदर। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले अपनी स्कॉर्पियो के बारे में, जो हमने बहुत प्यार से तैयार करी है और बहुत टाइम लगा के तैयार करी है, और वैसे बहुत जल्दी तैयार करी। तो ये बेसिकली शोएब भाई ने हमारे लिए वीडियो बनाई है, तो इसमें हम बता रहे हैं कि हमने अपने बॉडी वो शोएब भाई गलत डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए बेसिकली बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पैच वर्क हो रहा है प्रॉपर, और एंड रस्ट वगैरह निकाल रहे हैं और भाई गंदा पोस्ट दे रहे हैं, और यहाँ से मिग वेल्ड हम यूज़ कर रहे हैं कि जो भी रस्टी एरिया था ना वहाँ पे उसको मिग वेल्ड से दोबारा से फिलिंग की जाए। और बेसिकली यही होगा, रेयर पे हम बम्पर लगाएंगे और पेंट फाइनल हो गया हुआ है। इस क्लिप के बाद मैं एक और क्लिप लगा दूंगा आपको, जिसमें हम मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइमर होने वाला जो लेटेस्ट अपडेट है, जो अभी मैंने क्या है ना जलंधर मोटर्स भैया से अभी मंगवाई है, तो इसकी अपडेट इसके बाद आपको मिलेगी। तो कर रहा हूँ, गाड़ी तो आपको पता हमारे पास मेरे पास है नहीं अभी, यहाँ पे इंडिया तैयार हो रही है, पर हाँ बेसिकली बहुत अच्छी बन रही है। इंटीरियर आपको दिख रहा है, लेदर हमने ये चेंज नहीं करा क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़े थे, और मैंने और शोएब भाई ने डिसाइड किया कि भाई विल कीप द डैशबोर्ड, और हमने पैसे भी खर्चे थे तो आई डिडंट वांट कि हम मैं नया वाला लगाऊं। तो अभी बेसिकली ये है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लिप दिखाऊंगा जिसमें हम वो करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ भाई ये प्राइमर होने के बाद ये कैसे दिख रहा है। और सो गाइस, ये रहे हमारे डोर पैनल्स, हमारी बोनेट, हमारे सारे साइड वाले डोर्स। अभी हमारा रेयर डोर जो बैक डोर है वो हम रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली, अब हम नया वाले मॉडल का नहीं लगा रहे। तो गाइस आपने हमारी स्कॉर्पियो देखी, तो यार मेरे को पूरा श्योर हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो मैं आपको कलर भी रिवील कर दूँ जो हमने चूज किया है। जो कलर चूज किया मैंने वो है ब्लैक कलर, वो होगा बिल्कुल जेट ब्लैक मर्सिडीज का। बिल्कुल कम स्पार्कल होंगे, जैसे स्कॉर्पियो का स्टॉक कलर आता है ना बिल्कुल स्पार्कली होता है ना, बहुत ज्यादा स्पार्कल होता है, इसमें बहुत कम स्पार्कल होंगे मर्सिडीज का बेसिकली टू बी एग्जैक्ट। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट छोड़ें, कमेंट जरूर छोड़ें कि मेरे को अपनी गलतियों का भी पता लगे और मेरे को जो अच्छा कर रहा हूँ उसका भी, क्योंकि आप कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है, प्लीज सब्सक्राइब करें। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, मेरा आ रहा है ब्रदर इन लॉ, मेरा साला, मेरा आ रहा है ब्रदर इन लॉ, उसको लेने जा रहे हैं, तो उसको रिसीव करते हैं, आपको एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ और उसको भी मिलाता हूँ। एयरपोर्ट तो पहुँच गए हैं, अभी यहाँ पे लगा रहे हैं कहीं पार्किंग, इस पहले फ्लोर पे तो नहीं है, आगे जाते हैं, बिजी बहुत होता है सैटरडे वाले दिन। इधर भी नहीं है साले, यहाँ डायरेक्ट ऊपर ही जाना पड़ेगा लगता है। हाँ यहाँ पे मिल गई, अच्छा यहाँ पे भी नहीं है, कह रही है कि बुड्ढी ऊपर जाओ, ये सही है, नहीं बुड्ढी नहीं मतलब आंट कह रहे हैं हमारे कि ऊपर जाओ। अच्छा यहाँ पे भी जीरो पार्किंग है और ऊपर जाना पड़ेगा, बाप रे। ओहो यहाँ पे 20 स्पेसेस है, यहाँ पे करते हैं। सर गाइस पार्किंग तो हमने लगा दी है और बहुत फ्लोर्स नीचे जाना है, पिक करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। एयरपोर्ट पहुँच गए, रश ज़्यादा नहीं है, मेरे तो शक है कि वहाँ पे पहुँच गया होगा और हमारा वेट कर रहा होगा। पहले मैं सोचा था यहाँ से गुब्बारा लूँ, फलूस लूँ, गबूस लूँ, बट अभी ऐसे ही चलते हैं और इसको रिसीव करते हैं, मेरे को लगता है पहुँच गया होगा ऐसा वाला गुब्बारा, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया यहाँ कुछ लिखा होता ऊपर होगा, यहाँ पे कहीं ढूंढते हैं उसको, और यहाँ भी आया नहीं होगा, यहाँ से वो आएगा तो आता है तो देखता हूँ आपको शूट करके बताऊँगा, और बंदे जो नया बंदा आ रहा तो उसकी क्या एक्साइटमेंट होती है वो भी बताऊँगा। सूचना के अनुसार हम खड़े हुए थे गलत गेट के ऊपर और मोस्ट प्रॉब्ली वो बंदा वहाँ पे पहुँच गया होगा, मेरा ब्रदर इन लॉ। तो क्या वो ये हैं जिसका वेट कर रहे हैं, या ये नहीं, परेशान हो गए हम लोग ढाई साल से। One hour later आ गया है, इसको नहीं पता हम कहाँ पे, ये रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा
चलो हमारी तरह पीछे इसने जुड़ा किया हुआ है, इसको पीछे से डराते हैं। चलो जी ये बढ़ा दे सानू असि ला के जाएंगे, बड़ा भारी है वे। ये आ गया इसका बैग, बंदा भी आ गया, अब इसको लेके चलते आ गया, लोड कर रहे हैं इसको अब गाड़ी में हम। एक बात बताऊं, नाम उसका घर वालों ने रखा है बोनी है, 6 फुट 1 इंच का। क्या सोच के रखते हैं नाम यार ना बोनी। गाइस आज जो उस दिन हम सर्विस किट्स लेके आए थे फिल्टर किट्स, आज कुछ ट्रकों की सर्विस होने वाली है। एक ये ट्रक की है, एक इस ट्रक की होगी, उनमें से ये 3 लगे हुए हैं, इनमें से एक की होगी ब्लू वाले की होगी है, वाइट वाले की होगी है, ये इसकी होगी, एक्चुअली इसकी भी होगी है, वाइट वाले की होगी और इसकी भी होगी। इसके लिए सामान निकाल रहे हैं और डाल देते हैं, और मैकेनिक आ रहा है थोड़ी देर में, यहाँ पे यार्ड भी सर्विस कर देगा। ओके जी, सीधा ही एयरपोर्ट से लड़के को उठा के, और आज हमारे भाई ने अपनी कैमरी की सीट कवर दिलाने। गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है, अच्छी है, क्लीन है, बट इसके सीट कवर्स इसने डाले हुए हैं नई बस्ती वाले, तो ये टाइम आ गया अपग्रेड करने का। तो यहाँ पे एक शॉप है कार जॉय नाम की, सीट कवर्स बेचती है कैमरी के, देखो स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो ये अभी डालेंगे। प्राइस अब ऑप्शंस, अच्छा ये सब ऑप्शंस हैं, है तो सारे सोने ने यार, तो नहीं ये भी अच्छा, सब अच्छे हैं, मेरे को सारे अच्छे लगे, ये अच्छा है, तो सिंपल ही अच्छा लगता है, सिंपल अच्छा लगता है। गाड़ी तेरी ग्रे कलर की, तो ये डला दे या फिर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगी। हाँ ये नहीं अच्छा, रेड नहीं, ये अच्छा है या फिर वो अच्छा है, ये तो को रेड, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये ब्लैक भी अच्छा है, और ये वाला भी अच्छा है। सही है ना भाई, येलो वाला, अच्छा ऑरेंज। आपकी गाड़ी कौन सी है? फोर्ड की है। सही है, तो अच्छा लगेगा। पर ये देखे ना, अब सेम चीज है, ऑरेंज और येलो, और ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं कि पर गंदा हो जाएगा बहुत जल्दी। हाँ मैं दिखा देता हूँ ना, ठीक है। तो गाइस वो उस गाड़ी में वो ऑरेंज वाले लगे हैं। ए फोर्ड की कौन सी गाड़ी है भाई? नहीं नहीं, मॉडल कौन सा है फोर्ड का? रेंजर है। ओके, नए नए शेप में है ना ये? तो गाइस ये फोर्ड की रेंजर है, एंडेवर के, समझ लो कि एंडेवर के साथ की गाड़ी है, एंडेवर तो बंद हो गई है। तो इसमें लग रहे हैं सीट कवर्स, और जो है ऑरेंज कलर की, यहाँ से नहीं दिखेंगे आपको, मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये है V6, और अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं सर, नहीं सूट करेंगे, सब सूट करेंगे, ये भी सूट करेगा। और भाई गाड़ी दिखाएं आपको, रूफ लाइन कितनी अच्छी है, और बीच वाली स्क्रीन आती है पूरी बड़ी, बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत सुंदर। पर हाँ ये सीट कवर्स इसको सूट कर रहे हैं, लिटरली सूट कर रहे हैं। आई थिंक इसका एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे जो स्टिचिंग है वो भी सूट कर रही है इसके साथ, थोड़ी सी जो जैसे वाइल्ड ट्रैक लिखा है ऑरेंज में है, ये सीट कवर्स भी ऑरेंज में है, इसकी सेंटर कंसोल की भी सारी स्टिचिंग ऑरेंज में है, तो ये थोड़ा मैच कर रहा है, तो सूट कर रहे हैं। नाइस नाइस नाइस। गाड़ी हो गई रेडी, न्यू, आप समझ लें कि न्यू एंडेवर है, इंडिया में तो रेंजर आई नहीं, पर न्यू एंडेवर समझ लें आप। वाह, इनको इस पैकेज के साथ व्हील कवर भी आता था, पर इनका जो इन्होंने लगवाया था बहुत अच्छा है क्वालिटी का, इनकी है ना पूरी स्टिचिंग के साथ मैच कर गया जैसा आपने देखा होगा, और लिटरली लुक्स गुड, प्रीमियम सीट कवर्स हैं। नाइस नाइस, फॉर वेरी गुड प्राइस ना, बहुत 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 भाई, द फिटिंग इज़ वेरी गुड। Nice. Nice, nice. And भाई ये इनका वर्क ट्रक है
वर्क ट्रक ऐसे होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अपने टूल्स वगैरह रखते हैं पीछे, है ना। ये कैनोपी इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाई है इसमें, या आजकल पहले आती थी यहाँ से खुलती है, इसके नीचे कहीं स्विच होता है, अब यहाँ पे होता है, मेरे को आइडिया नहीं किधर है, बट हाँ इस थेफ्ट प्रूफ है। तो आफ्टर मार्केट फ्यूल के अलॉयस और वाइल्ड पी के ऑल टेरेन टायर्स लगवाए इन्होंने, नाइस। ये स्टॉक फुटस्टेप V6 इंजन, नाइस नाइस नाइस। तो बस सही है, तो मिलते हैं आगे। एक और वीडियो, हमें एक और गाड़ी मिल गई है यहाँ पे, ये हमारे भाई की है यहाँ पे, जो गाड़ियाँ पे यहाँ पे सीट कवर चेंज करते हैं। सो गाइस ये है फोर्ड की फाल्कन XR6। तो ये नॉन टर्बो है, नेचुरल एस्पिरेटेड इनलाइन सिक्स सिलेंडर, और इसमें एक और सेम वर्जन आता है जो इनलाइन सिक्स सिलेंडर टर्बो चार्ज होता है। तो बट दिस वन लुक्स नाइस, इसने स्प्लिटर अच्छे से लगा के रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद लुक एट द नेम, नंबर प्लेट हैप्पी, सो दैट्स अ कस्टम प्लेट, सो दैट्स वेरी कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन गेट यू नो कस्टम प्लेट्स। व्हील्स आर गुड साइमंस, सो दीज आर जेन्युइन व्हील्स। He painted the, you know, brake calipers. गाड़ी बहुत अच्छी है, बाकी बाइक को आई थिंक खुद भी थोड़ा कस्टमाइज कराया हुआ है ना, सुंदर लग रही है, कलर बहुत प्यारा है। और जैसे बाइक को शूज़ का बहुत शौक है, और आई थिंक ही सेल्स शूज एज़ वेल, तो बच्चों के शूज, लुक एट दीज टाइनी शूज, तो शूज सीट कवर्स ऐसे डाले हुए हैं, तो शूज रखे हुए हैं। तो अभी एक आपको ट्रायल देंगे इसके, क्योंकि इस कार इज लाउड, एज जो बंदा कह रहा है कि लाउड है, अभी इसमें कुछ नहीं कहा है, आई थिंक मफलर डिलीट कर रहा है, स्टिल गॉट द कैट, लेट्स सी। एग्जॉस्ट नोट, तो इनलाइन सिक्स की आवाज़ ऐसी होती है, बट ये थोड़ी बेसी है, तो एग्जॉस्ट अच्छा है। तो इसने अभी कोल स्टार्ट करा है, तो हम अचानक से रेव नहीं करेंगे, बट ही इज़ अ प्री प्लेटर, दैट मीन्स इसके पास फुल लाइसेंस नहीं है अभी, तो हाँ अभी वार्म अप हो रही है, तो आपको इसका नोट सुनाते हैं। Yep. So guys, अभी ये रैप करेगा, तो आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाओ। बाकी सीट कवर्स लगाते हैं, और आपको दिखाता हूँ हमने कौन सा पसंद किए थे, ये पूरे ब्लैक में और बाइक की गाड़ी में, और ये लाइटली ब्लू शेड है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुशन्स भी हैं साथ में, और फिटिंग बहुत प्यारी है ये, और बहुत सही लग रहे हैं। चलो देखते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, इसने वॉश कराई थी प्रॉपर, गाड़ी चमक रही है, बड़ा कलर भी बहुत अच्छा लगा, और फिटिंग बहुत प्यारी है, सीरियसली आई लाइक इट। और एक देख रहे हैं, सोच रहे हैं सीट कवर, सॉरी स्टीयरिंग कवर भी लगा दें, अच्छा लगेगा तो लगा देंगे, क्योंकि इसके साथ ही है, अदरवाइज डोंट वरी। स्टीयरिंग कवर भी लग गया है, सीट कवर आपने देख ही लिए हैं, ठीक है, अच्छी फील है सीट कवर, स्टीयरिंग कवर की भी, नहीं अच्छा लगेगा तो फ्री मिला है, निकाल भी सकते हैं। तो गाइस आ गए थे दोबारा क्रेन वाले ट्रक के पास, सर्विस उस दिन तो ही नहीं थे, आज सर्विस होगी, तो आज देखते हैं क्या बनता है, इसकी कैपिटल करनी है अभी, ये रेस की क्रेन, इसके कंट्रोल्स। तो गाइस ये रहा इनलाइन सिक्स सिलेंडर टर्बो चार डीजल इंजन वॉल्वो का, EGR वाला आता था ये पुराना, ये रहा इसका एयर इनटेक, ये EGR वाल्व यहाँ पे, इसका टर्बो चार्जर, ये बस इसके EGR में कोई छोटा सा फॉल्ट है, वो हम चेक कर रहे हैं अभी, क्योंकि लिम्प मोड में चला जाता है, होपफुली रेक्टिफाई होगा, तो फिर बताता हूँ बाद में आपको कि सही हुआ कि नहीं सही हुआ।
अभी हमने कर दिया है स्कैनर कनेक्ट, कोड वगैरह एडिट करेंगे इसके, होपफुली हल निकलेगा कोई। ये हैवी व्हीकल्स वॉल्वो स्कैनिया, स्कैनिया तो नहीं स्कैन करता भाजी है ना, स्कैनिंग भी कर देता है, यूरोपियन मोस्टली स्कैन कर लेता है ये वाला ब्रांड।